हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम, मैं निकल चुका हूँ अयोध्या के लिए, जो कि अभी यहाँ से अयोध्या 155 किलोमीटर है और पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा क्योंकि पैर में छाले पड़ गए हैं। पैर का जो अंदर का मसल्स है, टिशू है, जो मसल टिशू है वो रोड सही नहीं होने की वजह से वो गिट्टी जो है वो धंस रहे हैं, तो वो लग रहा है और पैर में वो एक अंदर से जख्म की तरह हो गया, ऐसा छूने पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। बट पता नहीं मैं तय कर पाऊँगा कि नहीं, 21 तारीख को रात तक मैं पहुँच पाऊँगा, अभी नहीं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, हनुमान और जय श्री राम ही जाने, महादेव जाने क्या होगा, देखते हैं क्या। कोशिश करते हैं, कोशिश करने से हम नहीं पीछे हटेंगे और ना रुकेंगे। तो हम अभी यहाँ से सोते उठ चुके हैं और अपना बोरिया बिस्तर सब अभी समेटेंगे और निकलेंगे यहाँ से फटाफट नहा धो के पूजा वगैरह करके। तो मिलते हैं, जय श्री राम, हर महादेव, बाय बाय। सो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अपने बोरिया बिस्तर सब बांध के रेडी हो चुका हूँ। अब निकलूँगा मैं यहाँ से जौनपुर के लिए, जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, 2-3 दिन से जौनपुर पहुँच जाऊँगा पर पहुँच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी मतलब ठंडी है और प्लस इतना रोड ख़राब है और छाले पड़े हैं तो चल नहीं पा रहा हूँ। तो 2-3 घंटे में मैं 5 से 6-7 किलोमीटर तय कर रहा हूँ सिर्फ, सोचो। तो आज देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाता हूँ। मुझे लग रहा है फुल एनर्जी में मेरे अंदर, तो शायद आज कर लूँगा कवर, देखते हैं। हर महादेव, जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नीचे पंडित जी से और मंदिर में, फिर उसके बाद वहाँ से मैं प्रणाम करके आशीर्वाद लेके निकलेंगे आगे की तरफ, ठीक है, मिलते हैं तब तक। अभी हमारे जो भाई हैं वो हमें टीका लगा रहे हैं राम जी। तो मित्रों, हम भगवान का दर्शन करके और अच्छा आला टीका लगा के भगवान जी का, राम जी का, और यहाँ से निकल जाते हैं। और ये हमारे राम जी और बगल में हमारे देवों के देव महादेव जी, तो इसके बाद में यहाँ पे इनकी शिवलिंग है और यहाँ पे इनके एक अवतार हनुमान जी, और फिर इसके बाद में वहाँ पे दुर्गा माता हैं यहाँ पे, और मंदिर का, और हमने पुजारी जी का दर्शन वगैरह करके सबका नमस्ते प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलेंगे बस थोड़ी देर में। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही रास्ते में, और हर महादेव, जय श्री राम, कमेंट करते रहो बस, जय श्री राम। देखिए ये हमारे राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है मालापुर से हमारे राम जानकी राम जी। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे प्रसाद लेके, फिर उसके बाद में आगे की यात्रा हम आगे शुरू करेंगे, तो आपको बताएंगे कि कितनी कठिनाइयाँ और क्या है। अभी तो धूप निकले नहीं है बट कल से अच्छा मौसम साफ़ है। कल तो बहुत ज़्यादा ही कोहरा वगैरह था, फॉग था, तो उसकी वजह से मैं कल कम यात्रा तय कर पाया हूँ डिस्टेंस। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही तय करें क्योंकि अभी 4 दिन ही है हमारे पास और हमें 150 किलोमीटर चल के जाना है। तो सोचेंगे कि बहुत जल्द ही हम अपने रामचरण पे पहुंच जाए, राम मंदिर। तो खाना खा के हम निकलते हैं फटाफट, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों हमें ये भाई सुनने आते हैं कुछ दूर तक, जय श्री राम, और हमारे हमारी यात्रा में कुछ दूर के लिए हमारा साथी बनते हैं, उसके बाद में फिर ये अभी हमें दूर तक छोड़ के कुछ आगे निकल जाएंगे अपने मंजिल के लिए, हम अपनी मंजिल के निकल जाएंगे। आज हमारा टारगेट है कि मतलब 24-25 किलोमीटर अगर मैं चल लिया, शायद तो छाले और रोड सही रहे तो शायद पहुंच जाऊंगा, नहीं तो शायद मुश्किल है 21 तारीख तक मैं रात तक वहां पहुंचना, क्योंकि सुबह 22 तारीख को हमें अयोध्या पहुंचना ही है। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि पहुंच जाएं, देखते हैं कब राम की महिमा है। जय श्री राम। जो छाले पड़े होते हैं तो हम सोचते हैं वो फट ना जाए, तो इसलिए हमें पट्टी वगैरह लगा लेते हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं अपने आगे के रास्ते के लिए। इसी के साथ हमने 14 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुका है, पर उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गया है ये गिट्टी वाले रोड, जो कि हमें चलने और हमारी स्पीड को कम कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है, तो फिर धीरे धीरे इसको भी पार कर लेंगे। शहर की हालत देख सकते हो आप लोग और रोड की भी हालत देख ही सकते हो, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। अभी 10 मिनट और जाएंगे, उसके बाद रुकेंगे वहां पे और निकलेंगे वहां से। और दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं जौनपुर जंक्शन, तो जो कि अभी ये दिख रहा है आप वहाँ पर देख सकते हो, आप जौनपुर जंक्शन दिख रहा है,
ये स्टेशन है और मैं ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ। अभी मेरी मंजिल जो है बहुत काफ़ी दूर है यहाँ से। अभी मुझे और 5 से 7 किलोमीटर जाना है जहाँ रुकना है मुझे रात, तो उसके लिए 5 से 7 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो देखते कब तक पहुँचेंगे। शाम हो चुकी है और आज भी सूरज देवता का पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक फॉग ही है। पूरा ठंडा मौसम है, ठंडा हवा लग रहा है क्योंकि रोड पे हूँ, तो गाड़ियों का ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुमको गर्मी ठंडी नहीं लग रही है? लग रही है ठंडी, बट उसे सहन करने आ रहा है तो सहने की क्षमता बढ़ गई है, तो उसको सह ले रहा हूँ बस। हर महादेव, जय श्री राम। पहुँचते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे एक दर्शन करने भगवान जी का, हनुमान जी का। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमें मिल जाते हैं एक अंकल, जो कि वो हैं, और वो हमें अपने घर पे लेके जाते हैं, रहने का शरण देते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे रहने के लिए जहाँ पे हमारा व्यवस्था होगा, ठीक है। हर महादेव, जय श्री राम। मंदिर पे सोने का व्यवस्था था, बट वो पूरा खुला था, कॉरिडोर टाइप था, तो हमें बहुत ठंडी ज़्यादा लगती, हमारे पास इतना व्यवस्था था नहीं। तो ये अंकल जी वहाँ पर पूजा करने आए थे और हमें मिले, अपने शॉप में लेके आए हैं यहाँ पे, और हमारा व्यवस्था व्यवस्था करेंगे जो भी हो सकेगा। अंकल जी से धन्यवाद तहे दिल से इनका भी। और इसके बाद कल का हमारा यात्रा जो शुरू होगा, आज हमारी यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। 21-22 किलोमीटर हम चल चुके हैं आज, तो बहुत कम चले हैं, बट हमें और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। छाले थोड़े सही हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आज हमने पट्टी लगा ली है, देखते हैं कल कितना यात्रा हम कम्प्लीट कर पाते हैं। 30-35 टारगेट रखेंगे, 30 अगर चले तो अच्छी बात है, शायद परसों फिर 30, उसके बाद 2-3 दिन में हम शायद रात को अगर चले तो पहुंच जाएंगे ज़रूर राम जी के चरणों में। आप जाइए, हमारी बात सुनिए, हमारी अगर कल मुलाकात हो गई तो हम खुद लेके चलेंगे आपको। पहले हम आज आप देखेंगे कितना चलते हैं आप, आज देखेंगे रात भर में आप कितना चल ले रहे हैं, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल लेंगे तो कल से हम खुद आपको शिष्य बना के लेके चलेंगे, नहीं तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। हाँ चलते रहो, 8-9 बजे रुकिएगा, कहीं शरण देखिएगा, मंदिर उंदिर जहाँ आपको लगे जो व्यवस्था आपसे हो पाता है करिएगा, और ड्रिंक वगैरह मत कीजिएगा, नहीं तो जो शरण देने वाले रहेंगे कोई भी नहीं देंगे, ये सब गलत चीज़ें हैं, सही आदमी के साथ गलत मत करो, ठीक है। चलो हर हर महादेव, जय श्री राम। जाइए भाई साहब, ये हमें मिले थे जौनपुर में, ठीक है, और ये हमें बोल रहे हो गुरु जी बोल के हमारे साथ रह रहे हो, दारू वरू पी के जा रहे हो अयोध्या, ऐसे लोग को तो मार के भगा देना चाहिए रास्ते में से ही, वहाँ मंदिर तो पहुँचने की बड़ी दूर की बात है। हमें साथ हम कहाँ लेके जाएंगे मंदिर में, चलो जय श्री राम। चलिए, थोड़ा सा कुछ राहत होगी आपको, इसको ओढ़े रहिएगा, समझे, पता नहीं क्या आपको सब वहाँ मिले ना मिले कहीं। सो फाइनली मैं आ जाता हूँ अपने रूम में, और ये एक्चुअली एक दुकान है, तो उन्होंने अंकल ने अपने शॉप के ऊपर वाले रूम दिया कमरा, तो अपना सामान वगैरह रख देते हैं। और ये अंकल हमें एक ब्लैंकेट देते हैं और बोलते हैं ये आप ठंडी में रास्ते के लिए रखो अपने पास, और हम यहाँ पे आज सोएंगे। आज की रात और काफ़ी देर से बैठा था शॉप पे उनके, तो मतलब थोड़ा ठंडी लगने लगी, चल रहा था थोड़ा कम पता चल रहा था, बट ठीक है अभी थोड़ा कम लग रहा है। और मेरे पैर का ही मेन सीन है कि पैर मेरा जल्दी ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हर महादेव, जय श्री राम। खाना खाता हूँ फिर सो जाता हूँ। सो दोस्तों, अभी हमारा खाना आ चुका है, जो कि ये भाई लेके आए हैं, वो आपके क्या है जो कि अंकल नीचे वाले हमारे मोहल्ले के हैं। अच्छा, तो अंकल ने रहने का रूम दिया है और ये भाई लोग ने खाने पीने का इंतजाम सब इन्होंने किया है, धन्यवाद भाई। तो खाने में आपको दिखाता हूँ क्या लेके आए, जैसे भाई हैं वैसे ही खाना भी लेके आया भाई, देख लो होटल में भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा, होटल भी एक घर पे मिल रहा है, फूल मतलब लोडेड है, फूल बोलते ना एक वेज थाली वैसा मीठा, फिर उसके बाद में मीठी हलवा पापड़ सब कुछ है भाई। चलो पहले खा लूँ उसके बाद में आपसे मिलते हैं बाबा। पैर का हालत कुछ ऐसा हो जाता है यार भाई, और ये छाले पड़ जाते हैं और जो गिट्टी से लग लग के बहुत ज़्यादा दुखते रहते हैं। दोस्तों, खाना खा के हम जा रहे हैं सोने, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। और खाना काफ़ी टेस्टी था क्योंकि भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगा था।
और काफ़ी सच में खाना टेस्टी था यार। और उसके बाद मैं सोता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।